नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में यूपीएससी ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है और वो किस चीज़ का है, यूपीएससी ईपीएफओ रिक्वायरमेंट 2023 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। अगर बात करें इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो आपसे इन्फोर्समेंट ऑफिसर यानी अकाउंट ऑफिसर और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की जो वैकेंसी है उसके अंतर्गत आपसे टोटल 577 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन आपसे मांगे गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी ईपीएफओ का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, यूपीएससी ईपीएफओ का सिलेबस क्या रहेगा, यूपीएससी ईपीएफओ की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में। यूपीएससी ईपीएफओ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के बारे में आपके जितने भी डाउट बने हुए हैं वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है, यूपीएससी ईपीएफओ वैकेंसी 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ में एनफोर्समेंट ऑफिसर यानी ईओ, अकाउंट ऑफिसर यानी एओ और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर यानी एएफपीएफसी पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना के अनुसार यूपीएससी ने ईपीएफओ में इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के 577 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 25 फरवरी 2023 से 10 मार्च 2023 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से ईपीएफओ में यूपीएससी ईपीएफओ भर्ती 2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम यूपीएससी ईपीएफओ ऑनलाइन फॉर्म 2023 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूपीएससी ईपीएफओ वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल आपकी जनरल कैटेगरी के लिए ईओ एओ की 204 पोस्ट है और एपीएफसी की 68 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए इन्फोर्समेंट ऑफिसर की अगर बात करें तो 51 पोस्ट है और ईपीएफओ की 16 पोस्ट है। ओबीसी के लिए अकाउंट ऑफिसर की 78 पोस्ट है और एपीएफसी के लिए 38 पोस्ट है। एससी के लिए 57 पोस्ट आपकी ईओ की पोस्ट है और एपीएफसी की 25 पोस्ट है। एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो 28 पोस्ट है, वो एओ की है और एपीएफसी की अगर बात करें तो 12 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर यानी अकाउंट ऑफिसर की 418 पोस्ट है और एपीएफसी के लिए आपकी जो पोस्ट है वो 159 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। टोटल अगर बात करें तो 577 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर अपन बात करें तो उम्मीदवार के पास एक बैचलर डिग्री होना जरूरी है। अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर यानी ईओ और अकाउंट ऑफिसर ईओ की अगर बात करें तो मैक्सिमम आपकी 30 वर्ष एज हो सकती है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ये एपीएफसी की अगर बात की तो मैक्सिमम एज आपकी 35 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों में सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात करते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो यूपीएससी ईपीएफओ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपका फॉर्म वो 25 फरवरी 2023 से दोपहर को 12 बजे आपका फॉर्म भरना शुरू होगा। अगर बात करें यूपीएससी ईएफओ ईओ एंड एपीएफसी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप अपना फॉर्म वो 17 मार्च 2023 तक शाम को 6 बजे तक भरकर जमा करवा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं अब एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपकी फीस है वो 25 रुपये आपकी फीस रखी गई है। एससी एसटी ऑल कैटेगरी फीमेल और पीडब्ल्यूडी के लिए आपकी कोई फीस नहीं लगने वाली है। जिन उम्मीदवारों की फीस लगने वाली है उनको अपनी फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना है, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं अब यूपीएससी ईपीएफओ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यूपीएससी ईपीएफओ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपका रिटर्न एग्जाम होगा, इंटरव्यू रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद ही आपको फाइनल सिलेक्शन वो दिया जाने वाला है। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं यूपीएससी ईपीएफओ ईओ एंड एपीएफसी का जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो यूपीएससी
ईपीएफओ एग्जाम पैटर्न 2023 के बारे में अगर बात करें, इसमें आपकी दो सेक्शन होगी। सेक्शन ए में अगर बात करें तो आपका जनरल इंग्लिश का रहेगा, इसके आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा सेक्शन बी में अगर बात करें तो इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट एंड करंट इवेंट, इसके अलावा पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके अलावा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ एंड इंश्योरेंस, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जनरल साइंस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिक एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, स्पेशल सिक्योरिटी इन इंडिया और प्रेजेंट ट्रेंड्स इन द इंडियन इकोनॉमिक संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से अगर बात करें तो पेपर आपका टोटल 100 नंबर का रहेगा, 2 घंटे का आपको समय दिया जाने वाला है। तो चलिए बात करते हैं यूपीएससी ईपीएफओ के पेपर के बारे में। पेपर के बारे में अगर अपन बात करें तो आपका पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। पेपर में 100% है वस्तु इस प्रकार के होंगे। अगर बात करें प्रत्येक सही उत्तर के लिए उम्मीदवारों को 1 अंक दिया जाएगा। पेपर 100 अंकों का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नंबर की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी आपको 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन है वो सोल्व करनी है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की रहने वाली है। सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, नेगेटिव मार्किंग, तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन को सोच समझ कर सोल्व करना होगा। चलिए बात कर लेते हैं अब कि यूपीएससी ईपीएफओ का सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस के बारे में अगर बात करें, जनरल इंग्लिश का क्या रहने वाला है इसमें, टेंस, वर्ड फॉर्मेशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, वोकेबुलरी, फ्रेज रिप्लेसमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस कॉम्पिलेशन, पैरा कॉम्पिलेशन, क्लोज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा जंबल, फ्रेजेज एंड एडियम, स्पेलिंग और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब इंडियन कल्चर का क्या क्या आएगा इसमें। इसमें आ जाएगा स्टोन एज, आ जाएगा द हपन सिविलाइजेशन, मरियन पीरियड, इसके अलावा द पोस्ट मरियन फेज, द पीरियड ऑफ स्टंग कैनवास संग्स कैनवास एंड स्टेंस, इसके अलावा जो आपका कुशाना एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल्स और लाइफ लिटरेचर एंड फिलोसफी से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी आपके इंडियन कल्चर से जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें पॉपुलेशन में क्या किया जाए, बर्थ एंड डेट आ जाएगा, मोबिलिटी एंड माइग्रेशन, पॉपुलेशन एजिंग, पॉपुलेशन चेंजेस और पॉपुलेशन एस्टिमेट्स एंड प्रोजेक्शन से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्लोबलाइजेशन का सिलेबस क्या रहने वाला है इसमें, आ जाएगा ग्लोबल इश्यू, जो कैटेगरी आ जाएगा क्लाइमेट जस्टिस, इकोनॉमिक इंक्वायरी, फेयर ट्रेड, फोर्स माइग्रेशन, ग्लोबल डैमेज, इसके अलावा जो ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन आ जाएगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित आपके क्वेश्चन में पूछे जाने वाले हैं। अगर बात करें गवर्नेंस से संबंधित क्या क्या आ जाएगा इसमें, तो इसमें आ जाएगा बोर्ड ओवरसाइट ऑफ मिशन क्रिटिकल, इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस ओवरसाइट, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, ऑडिट कमेटी ओवरसाइट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इसके अलावा जो कॉरपोरेट कल्चर एंड विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन, इसके अलावा जो बोर्ड डाइवर्सिटी संबंधित आपके क्वेश्चन में पूछे जाने वाले हैं। अगर बात करें अकाउंटिंग का सिलेबस क्या रहने वाला है, अकाउंटिंग की अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, टैक्स, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग, फर्म प्रैक्टिस मैनेजमेंट, गवर्नमेंट ऑडिट क्वालिटी, एम्प्लॉयड बेनिफिट प्लान ऑडिट क्वालिटी, नॉट फॉर प्रॉफिट, इसके अलावा जो फोरेंसिक एंड वैल्यूएशन सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रोफेशनल एथिक्स, प्लान इंग्लिश जो प्लेन इंग्लिश अकाउंटिंग, बिजनेस इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट ऑडिट क्वालिटी और फेयर वैल्यू मेजरमेंट संबंधित आपके क्वेश्चन में पूछे जाने वाले हैं। चलिए बात करते हैं जनरल साइंस का सिलेबस क्या रहेगा। जनरल साइंस में अगर बात करें इसमें आ जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ से संबंधित क्या क्या आने वाला है इसमें, तो इसमें लेबर लॉ की अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा इंपॉर्टेंट लेबर लॉ, इट्स टाइप, द एरिया इंप्लीमेंटेड, इसके अलावा जो सेक्टर अप्लीकेबल, ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। अगर बात करें इंडस्ट्रियल रिलेशन से, तो इसमें आ जाएगा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड यानी IRC बिल और मॉडल ऑफ लेबर रिफॉर्म से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बात करते हैं कंप्यूटर विनेस का सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें आ जाएगा एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, द एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, विंडो, इंटरनेट यूजेज और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाने वाले हैं। अगर बात करें स्टैटिक, इकोनॉमिक एंड मैथमेटिक की, तो इसमें अगर बात करें तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल
टेंडेंसी और डिप्रेशन एंड मोमेंट से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो इंडेक्स नंबर है इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा यूजेज टाइप एंड लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, सिंपल एंड वेटेड एग्रीगेट मेथड। इसके अलावा सिंपल एंड वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव चेन बेसिक इंडेक्स नंबर्स और बेस शिफ्टिंग। इसके अलावा एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर से संबंधित आप एक क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। अगर बात करें डिजाइन ऑफ सैंपल सर्वे की, अगर बात करें इसमें आ जाएगा सैंपलिंग यूनिट, सैंपलिंग फ्रेम, सैंपलिंग फ्रैक्शन, सैंपलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल एस्टिमेटर, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। इसके अलावा जो स्ट्रेफाइड रैंडम सैंपलिंग, सिस्टम सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग संबंधित आप एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के अगर बात की तो इसमें आ जाएगा कोरिलेशन एंड इट्स इसके कोफिशियंट्स, लाइनर रिग्रेशन संबंधित आप एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइम सीरीज एंड एनालिसिस की अगर बात की तो इसमें आ जाएगा कंपोनेंट्स, मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड। इसके अलावा जो सीजनल, साइक्लिकल एंड इरेगुलर वेरिएशन संबंधित आप एक क्वेश्चन से पूछे जाने वाले हैं। तो ये हो गया आपका सिलेबस। अब बात करते हैं इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी, सैलरी बारे में अगर बात करें, इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर की सैलरी की अगर बात करें तो आपका पे लेवल 8 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। जब आपका 4 साल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पे लेवल 8 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी वो 47,600 रुपये से लेकर 1,51,100 रुपये सैलरी आपको दी जाने वाली है। एपीएफसी की अगर बात करें तो आपको सैलरी वो 47,600 रुपये पर मंथ और 5,400 रुपये ग्रेड पे आपको दिया जाने वाला है। तो बहुत अच्छी सैलरी आपको दी जाएगी। अगर आप योग्यता रखते हो तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। तो यह तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हम डिस्कस किया कि अभी हाल ही में यूपीएससी ने ईपीएफओ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन वो जारी किया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि यूपीएससी ईपीएफओ का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, यूपीएससी ईपीएफओ का आपका सिलेबस क्या होगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में यूपीएससी ईपीएफओ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के बारे में जितने भी आपके डाउट थे वो सारे डाउट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है उसको प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द केवल जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलती है एक नई जानकारी साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।